अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी विभाग सियोंजक अबू गोयल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 41वां अधिवेशन छोटी काशी मंडी के मां भीमा काली मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्ष 2020-21 की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील ठाकुर प्रांत अध्यक्ष तथा विशाल वर्मा प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए। इस अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रमेश पप्पा पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री तथा वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय से संपर्क प्रमुख व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रफुल्ल अकांत राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहे। उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति चमनलाल चंदन रहे। अधिवेशन की जानकारी देते हुए विभाग संयोजक अबू गोयल ने कहा कि इस अधिवेशन के अंदर सरकार द्वारा जारी सभी मानकों तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों का ध्यान रखते हुए ये अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कुल 98 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अधिवेशन का वर्चुअल माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के आधिकारिक पेज पर लाइव प्रसारण भी किया गया। साथ ही साथ इस अधिवेशन में दो प्रस्ताव भी पारित किए गए। हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य व हिमाचल प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, ये दो प्रस्ताव इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्ष 2020-21 की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा प्रांत अध्यक्ष डॉ. सुनील ठाकुर द्वारा की गई, जिसमें मंडी विभाग से डॉक्टर कनिका हांडा को प्रदेश उपाध्यक्ष व मोनिका राणा को प्रांत सह मंत्री और अबू गोयल को संगठनात्मक जिला मंडी और सुंदरनगर का विभाग संयोजक व प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुना गया है। इसके साथ मंडी जिला से गौरव अत्री को जिला संयोजक, सुनील सेन को जिला प्रमुख और वीरेंद्र कुमार शर्मा को विभाग प्रमुख चुना गया है। मालवी पटियाल, नितिन विशाल कारला को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। विभाग संयोजक अबू गोयल ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषणा के 11 वर्ष बाद भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि इसके साथ घोषित आईआईटी मंडी का निर्माण व इसके बाद घोषित आईआईएम व एम्स का अपने भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका। वहीं बात करें तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की, तो वहां पर चल रहे 8 पाठ्यक्रमों में एक भी स्थायी प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर व बागवानी विश्वविद्यालय नोनी की भारी भरकम फीस से शिक्षा आम गरीब छात्र की पहुंच से बाहर हो रही है, जिसे विद्यार्थी परिषद किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय सहित छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इन मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करेगी। वहीं कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि स्कूल प्रबंधन अप्रैल माह से अभी तक की ट्यूशन फीस के अलावा सभी प्रकार के शुल्क फिर से ले सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है व प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जब पिछले 8 महीनों से सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की फीस ली जाना तर्कसंगत नहीं है। विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि निजी स्कूलों सहित किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त फीस इस सत्र में नहीं ली जाए। बात करें प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य की, तो कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि स्थिति के अंदर प्रदेश सरकार सकारात्मक कदम उठाए ताकि बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सके। इस अधिवेशन में दो तरह के प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य व हिमाचल प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कि हम बात करें हिमाचल प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आज से पूर्व 11 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो है एक घोषणा की जाती है। आज 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने स्थायी भवन निर्माण को लेकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हम देखते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक मंचों में देखे या अन्य जगह में हम देखे कि अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर किस तरह से जो है राजनीतिक लोग जो है राजनीति सीखने का काम कर रहे हैं। और इसके जो बाद जो है एम्स, आईआईटी,
के बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान जो हिमाचल प्रदेश में खुले गए उनका जो निर्माण कार्य हम देखते हैं कि किस तरह से तेज गति पकड़ रहा है। हम उनका जो सरकार का भी आने वाले समय में इसका विरोध करेंगे। वो एक बहुत बड़ा एजेंडा जल्द ही हम जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलनकारी जो है रणनीति एक तैयार कर रहे हैं। हम प्रदेश सरकार को ये एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जो शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह से राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है उसका हम भरपूर जो है विरोध करती है। और बात करें हम हिमाचल प्रदेश का जो एक वर्तमान परिदृश्य है, COVID-19 के दौर में हम देखते हैं कि पिछले 7-8 महीनों से किस तरह से हर एक आम नागरिक की जिंदगी को जो है एक विपरीत दिशा की ओर जो है गति देने का काम दे रहा है। हम देखते हैं कि COVID-19 के कारण हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे विश्व भर में छात्रों को हजारों छात्रों करोड़ों नौजवान युवाओं को जो है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इसके लिए आप एक सकारात्मक नीति बनाएं ताकि इस तरह की जो है जिसमें कि रोजगार की एक अच्छी सुविधा मिले, ताकि हम देखते हैं कि इसके विपरीत प्रभाव हम देखते हैं कि युवा जो है फांसी दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह की घृणित नीतियों के लेकर जो है आज का युवा जो है बहुत हताश और परेशान है।